श्रॉफ ने अपने सोशल मीडिया के जरिए फिल्म राधे के मेकर्स को क्या मैसेज दिया है और आने वाली फिल्म गणपत उनके लिए इतनी स्पेशल क्यों है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म गणपत के बारे में। टाइगर श्रॉफ ने अपनी अपकमिंग फिल्म गणपत का ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बागी एक्टर टाइगर श्रॉफ अब एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत में लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म की शूटिंग साल 2021 में शुरू कर दी जाएगी, वहीं इस फिल्म को साल 2022 में रिलीज के लिए रेडी कर दिया जाएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है डायरेक्टर विकास बहल ने, जो इससे पहले डायरेक्ट कर चुके हैं क्वीन और शानदार जैसी फिल्में। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ वापस से बागी सीरीज की तरह हमें एक्शन का बहुत जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में अपने बॉक्सर के किरदार को निभाने के लिए टाइगर श्रॉफ अपनी बॉडी पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वो अपनी बॉक्सर बॉडी बनाने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं और इतना ही नहीं, वो अपने फैंस को इस मूवी से जुड़े अपडेट्स अपने सोशल मीडिया पर देते रहते हैं। अब बात करी जाए फिल्म राधे की, दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म राधे टाइगर श्रॉफ के लिए एक काफी स्पेशल फिल्म है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर काफी सारे मैसेजेस भी शेयर किए थे। और आपको इसके पीछे की वजह बता दूं तो वो ये है कि फिल्म राधे में उनकी गर्लफ्रेंड यानी कि दिशा पटानी हम सभी को लीड रोल में नजर आने वाली हैं। वहीं उनके पिता जैकी श्रॉफ भी फिल्म में काफी अहम किरदार निभाते हुए नजर आने वाले हैं। आप सभी को बता दें कि फिल्म राधे के ट्रेलर ने पूरे बॉलीवुड में धमाका कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, फिल्म के ट्रेलर को देखकर ना सिर्फ नॉर्मल ऑडियंस पागल हुई है बल्कि सभी सेलिब्रिटीज भी इस फिल्म के ट्रेलर से बहुत इम्प्रेस हैं। जी हाँ दोस्तों, फिल्म में हमें नजर आने वाले हैं विलन बने रणदीप हुड्डा और साथ साथ नजर आने वाले हैं सलमान खान, दिशा पटानी। इन एक्टर्स को एक साथ एक स्क्रीन पर देखना बहुत बड़ी मजे की बात होने वाली है, तो दोस्तों इस सब को देखने के लिए सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। आप सभी को बता दें कि फिल्म से जुड़ा दिशा पटानी का एक काफी हॉट पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसे टाइगर श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम पर रीशेयर भी किया था और ये भी लिखा था कि इस ट्रेलर में तुम बहुत अच्छी दिख रही हो। वहीं टाइगर श्रॉफ ने अपने अगले पोस्ट में फिल्म राधे से सलमान खान के पोस्टर को शेयर करते हुए उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया। आप सभी को बता दें कि फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई 13 मई यानी कि ईद के शुभ मौके पर रिलीज की जाएगी, लेकिन कोरोना की वजह से फिल्म के मेकर्स ने काफी अहम डिसीजन लिया है और वो ये है कि फिल्म को एक साथ OTT प्लेटफॉर्म्स और सिनेमा घरों में रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, ये बहुत बड़ा डिसीजन है, इससे फिल्म को बहुत ज्यादा प्रॉफिट और वहीं दूसरी तरफ बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है, तो दोस्तों देखना ये होगा कि ये फिल्म किस दिशा में जाती है। अब बात करी जाए फिल्म गणपत की, तो क्या आप लोग फिल्म गणपत में टाइगर श्रॉफ को बॉक्सर के किरदार में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और बॉलीग्राड स्टूडियोज को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।